अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नायला राशिद और मैं आज बना रही हूं सूजी का टुकड़ी हलवा, जिसके लिए देखें ये 2.5 कप सूजी है और 1/4 कप में देसी घी लिया है मैंने। आपके पास जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये पिस्ता बादाम जो है वो मैंने थोड़ा सा कूट लिया है और ये ऊपर गार्निश के लिए पिस्ता। और ये मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है और ये मैंने शीरा बना लें आप 1 कप शुगर में 1/2 कप पानी डाल के उसे पका लें, इलायची डाल के, और वो अच्छा सा शीरा बन जाएगा। लेकिन ये मैंने जो है मेरे पास लेफ़्ट ओवर था गुलाब जामुन का, तो देखें लेफ़्ट ओवर चीज़ें भी जो है वो ज़ाया नहीं करें, आप उसे यूज़ करें। तो ये मैं उसके अंदर ऐड कर दूँगी और ये इलायची जो है वो मैंने कूट के रखी हुई है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं इसमें 1/4 कप जो है वो घी का ऐड करूँगी और ज़रूरत महसूस होगी तो मैं फिर और डालूँगी। अच्छे तरीके से आपने इसको जब तक भूनना है जब इसके इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो बेशक ना डालें। उसके बाद जो है इसमें पिस्ता बादाम कुटा हुआ वो भी मैंने ऐड कर दिया है। बस थोड़ा सा और इसको भूनेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत सॉफ्ट होती जा रही है। और ये सारा काम जो है वो आपने बहुत ही लो हीट पर करना है, तेज़ आंच पे ये सूजी बहुत जल्दी जल जाएगी। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने इसके अंदर शीरा ऐड करना है तो फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है, क्योंकि ये सूजी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट बहुत देर तक रहती है, बहुत जल्दी ठंडी नहीं होती है ये, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म होगी और जब आप इसके ऊपर शीरा डालेंगे तो ये ऊपर को पूरा शीरा डालने के बाद जो है वो ऊपर को आ जाएगी। तो इसलिए आप चूल्हे को ऑफ करके और फिर आप इसके अंदर शीरा ऐड करें। अब आप इसको जो है दोबारा से भूनेंगे। जब ये घी छोड़ने लगेगा फिर आपने इसको भूनना छोड़ना है, जब तक आप इसको भूनते रहें। और एक पैन को ग्रीस करें और इसे उस पर बिछा दें, पूरा फैला दें और फिर उसके बाद जो है उस पर आप पिस्ता और बादाम कुटा हुआ छिड़क पे। ये देखिए ये सख्त भी हो गया है कि अब इसमें चम्मच चलाना भी मुश्किल हो रहा है। और ये देखिए ये ऑयल ले लिया, साइडों से मसाला आता है, तो बस अब इसे जो है वो ग्रीस किए हुए पैन में इसको फैला देंगे और वेट करेंगे, थोड़ा सेट हो जाएगा फिर उसके बाद हम उसे टुकड़ी में काट लेंगे। तो ये है सूजी का टुकड़ी हलवा, ज़रूर बनाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।